आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। सिख विरोधी दंगों को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या और दंगा करने के मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने माना है कि इसके पर्याप्त सबूत है, जिनसे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि सिख कुमार ने दंगा करने और डकैती डाल रही भीड़ में न केवल आरोपी सज्जन कुमार शामिल थे बल्कि नेतृत्व भी कर रहे थे। कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर आरोप सुनाते हुए ये बात कही। मामले में आगे की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि पश्चिमी दिल्ली के राजनगर में 1 नवंबर 1984 को 1000 लोगों की भीड़ ने एक पिता और पुत्र को जिंदा जला दिया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कुमार के उकसाने पर भीड़ ने दोनों को जिंदा जला दिया और उनके घर को क्षतिग्रस्त, नष्ट, लूट और जला दिया गया था। इतनी ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हमारा ये मत है कि प्रत्यक्षदर्शियों के मौखिक बयान व पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों के अनुसार हजारों लोगों की गैरकानूनी भीड़ जमा की गई थी। ये लोग हथियार लेकर आए थे। इनका उद्देश्य लूटमार, आगजनी और सिखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।